हेलो एवरी वन वेलकम टू वी साइंस अकेडमी सो टूडे वी विल लर्न द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओके तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे ओके सो सी द फर्स्ट स्टेप दैट इज फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर एंड आइडेंटीफाई दिच अंडर गो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ओके तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है ओके okay? उसके बाद आइडेंटिफाई करना है कि किस आइटम का ऑक्सीडेशन हुआ है और किस आइटम का रिडक्शन हुआ है ठीक है ऑक्सीडेशन मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा ठीक है रिडक्शन मतलब क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होगा ओके देन सेकेंड स्टेप बैलेंस ऑल दी आइटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ओके देन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम को छोड़ के बाकी जो एटम है वो बैलेंस होने चाहिए ओके नेक्स्ट थर्ड स्टेप विल बी कैलकुलेट द चेंजेस इन ऑक्सीडेशन नंबर ओके तो जिस भी एटम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुआ रहेगा ठीक है उसी ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाले एटम को देखना है कि वहां पर कितने का चेंज मिल रहा है ठीक है कितने का डिफरेंस मिल रहा है ओके okay? देन उस डिफरेंस को क्या करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे ठीक है तो वही यहाँ पर फोर्थ स्टेप है डेट इज क्रॉस मल्टीप्लाई इफ सिंपलेस्ट रेशियो इज़ पॉसिबल देन टेक द सिंपलेस्ट रेशियो ओके देन फिफ्थ स्टेप एड वाटर टू बैलेंस ऑक्सीजन And sixth step will be add H plus to balance hydrogen. Okay. Now see the first chemical equation. Okay. So this equation को हमको balance करना है. Okay. तो so, सबसे पहला step क्या था? सबसे पहले तो हमको oxidation number find करना है. Okay. So यहाँ पर देखिए Fe Mn Fe का जो charge वही इनका oxidation number है. Okay. But यहाँ पर देखिए Mn का oxidation number नहीं दिया है. मतलब Mn का oxidation number हमको find करना पड़ेगा. Okay. So Mn को ले लेंगे हम X. Okay. Plus oxygen के कितने atom हैं? Four atom हैं. So four into ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है माइनस टू ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर चार्ज क्या है माइनस वन तो यहां पर हम अपोजिट चार्ज ले लेंगे डैट इज प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ओके तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा x माइनस फोर टू जी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो ओके डैट इज़ x माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो ओके मतलब यहाँ पर हमें x की वैल्यू क्या मिली प्लस सेवन ओके तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा प्लस सेवन ओके okay, नेक्स्ट यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना है कि किस आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और किस आइटम का रिडक्शन हो रहा है ओके okay, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम अगर लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एम को तो राइट right साइड में भी हम देखेंगे एम को ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस सेवन चार्ज यहाँ पर है प्लस टू चार्ज ओके मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस ठीक है ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या होता है रिडक्शन ओके okay, वायरस अगर हम एफ को देखते हैं तो यहाँ पर है प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन नंबर ओके मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है यहाँ से प्लस टू से प्लस थ्री हो रहा है ओके okay? मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पर होगा ऑक्सीडेशन ओके okay? तो so, ये था हमारा पहला स्टेप ओके देन सेकेंड स्टेप क्या है केमिकल इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आइटम प्रेजेंट हैं ठीक है थीके? तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आइटम को छोड़ के बाकी जो आइटम है वो बैलेंस होने चाहिए ओके okay? तो यहाँ पर देख लेते हैं हम यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को नहीं देखना है ओके okay? बाकी आइटम को देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है एक एम एन पर भी है एक एम एन पर प्रेजेंट है एक, एक, एक एफ ई पर भी है एक एफ ओके okay? मतलब ऑक्सीजन को छोड़ के बाकी आइटम कैसे हैं बैलेंस है ओके देन थर्ड स्टेप थर्ड स्टेप क्या है जिस आइटम का ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिस आइटम का रिडक्शन हो रहा है ठीक है उसी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले आइटम को देखना है कि वहाँ पर कितने का चेंज मिल रहा है कितने का डिफरेंस मिल रहा है ओके okay? सो so, यहाँ पर हम देखेंगे एम को ठीक है एम का क्या हुआ रिडक्शन हुआ तो यहाँ पर देखते हैं एम में कितने का डिफरेंस मिल रहा है तो यहाँ पर है प्लस सेवन ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ पर है प्लस टू ऑक्सीडेशन नंबर ओके सेवन माइनस टू कितना मिलता है फाइव मतलब यहाँ पर हमें मिल रहा है फाइव का डिफरेंस देन नेक्स्ट हम देखेंगे एफ को यहाँ पर है प्लस टू यहाँ पर है प्लस थ्री तो यहाँ पर डिफरेंस कितने का मिलेगा वन का डिफरेंस मिलेगा ओके okay? डिफरेंस को कभी भी हम नेगेटिव में काउंट नहीं करते ओके okay? सो so, यहाँ पर हमने क्या देखा एम में डिफरेंस मिला है फाइव का और एफ़ी में डिफरेंस मिला है वन का ठीक है तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को ओके okay? मतलब एम के सामने वन से मल्टीप्लाई कर देंगे और एफ के सामने फाइव से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते ठीक है मतलब यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो नहीं निकाल सकते ठीक है इसलिए हम इसको एज इट इज़ रखेंगे ओके तो यहाँ पर मैं इस इक्वेशन को वापस से लिख देती हूँ दैट इज एम एन ओ फोर माइनस वन प्लस एफ ई टू प्लस एम एन टू प्लस प्लस एफ ई थ्री प्लस ओके सो हमने इक्वेशन को वापस से लिख दिया नेक्स्ट क्या करना है एफ़ी के सामने फाइव लगा देना है तो यहाँ पर हम लगा देंगे फाइव यहाँ पर भी आ जाएगा फाइव ओके देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना है वाटर को ऐड करना है ठीक तो है तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड पे ओके okay? तो हम क्या करेंगे राइट हैंड साइड पे ऐड कर देंगे वाटर को तो यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वाटर को ठीक है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन के फोर आइटम हैं यहाँ पर एक ही एटम है ऑक्सीजन का ठीक है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लगा देंगे फोर ठीक है मतलब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया ओके नाउ सी हाइड्रोजन यहाँ पर एट हाइड्रोजन हो गए फोर टू जी एट ओके तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड पर क्या करेंगे एच हाँ को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे एच ठीक है यहाँ पर है एट हाइड्रोजन ठीक है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर हम लगा देंगे एट मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया ओके नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस ओके अगर आपको चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्रेजेंट है वन एम एन यहाँ पर भी है वन एम एन यहाँ पर प्रेजेंट है फाइव एफ ई फाइव एफ देन यहाँ पर है ऑक्सीजन के फोर आइटम है यहाँ पर भी है ऑक्सीजन के फोर आइटम देन नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के हैं एट आइटम यहाँ पर भी हाइड्रोजन के एट आइटम ओके मतलब ये रिएक्शन कैसा है दिस रिएक्शन इज़ बैलेंस ओके सो so, इस तरीके से आप किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ओके सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई हो अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए